मुझे फिर से वही विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा है। कुछ भी करके हमें उस तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर। तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। अब ये खबर सुन के तिमनासा खुश हो जाएगी। टिक टिक तो किसी टाइमर बॉम्ब के अलार्म जैसा नाम है। टिक टिक किसी विस्फोटक से ज्यादा खतरनाक दानव है। आज तक जो भी उसे पकड़ने हिमलोक गया है वो वापस नहीं आ पाया है। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां है उसके पास जो आज तक कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया? उस दानव की शक्तियों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ओ, इसका मतलब हमें उससे लड़ते हुए उसकी कमजोरियों के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन शौर्य, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि वो टिक टिक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वाले रूप से चाबी वाले रूप में कैसे कन्वर्ट होगा। टिक टिक की शक्तियां केवल जादुई लोक में ही काम करती हैं, इसलिए अगर उसे धरती पर लाया जाए तो उसका दानव रूप कुछ ही वक्त में पिघल जाएगा और वो एक निर्जीव छवि बन जाएगा। बिल्कुल किसी शार्क की तरह जिसकी पावर सिर्फ पानी के अंदर होती है। लेकिन ध्यान रहे, वो दानव दुर्लभ कुंजी के रूप में आने के बाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना धरती का स्पर्श लगते ही वो कुंजी धमाके के साथ नष्ट हो जाएगी। फिगर नॉट शौर्य, पार्टनर ने आज तक एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया है, तो एक ही भी ड्रॉप नहीं होने देंगे। लेकिन शौर्य, प्रश्न ये है कि जब वो दानव पिघल कर वो दुर्लभ कुंजी बन रहा होगा, तब उसे भारत नगर के लोगों से कैसे बचा कर रख पाएंगे हम? इस कार्य में डुबा डुबा हमारी सहायता करेगा। बंपर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। अरे लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो भाई, लूट लो। सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा माल है, एकदम बिकाऊ। यादव यू, ओ भाई, एक काम करो ना, फटाफट दो दर्जन झाड़ू दे दो। एक पैकेट और ले लेते हैं ना। हाँ बस कीजिए अभी। हाँ माँ, और इतने सारे अनाज, इतने सारे तेल काम करेंगे क्या? बोलो नहीं, सुनो, इतना सस्ता सामान मिल रहा है तो अगले हफ्ते हम कुछ जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना खिला पाएंगे ना। हाँ ये भी सही बात है, सेल के टाइम भी आप अपना नहीं लेकिन दूसरों का फायदा देख रही। अगर ये बात सबको समझ में आने लग जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। बंपर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। हाँ, आप सबको जो सामान दिया गया है उसके साथ में एक स्क्रैच कार्ड मिला है, और भाई और बहनों, ये स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। हाँ, अरे कीजिए कीजिए, स्क्रैच कीजिए। हमको भी गोवा ट्रिप ही लगी है। हाँ, हमें भी। अच्छा सबको। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप सबकी ट्रेन की टिकट आज शाम तक घर तक पहुंच जाएगी। शाम तक मिल जाएगी, तो तैयारी कीजिए, कल आपको निकलना है। कल सुबह निकलना है। हाँ हाँ। हेलो हेलो, सब लोग घर में जाके बेकिंग बेक तो करनी है। आला आला, निकलो बोलो। अरे चले चले। माँ एक्चुअली मैं आप सबके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल से मेरे कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है तो फिर हम भी नहीं जाते। अरे नहीं माँ, आप सब जाइए ना, फैमिली सब एंजॉय करना, मैं एग्जाम से इसलिए नहीं आ पाऊंगा। बहू ऐसा मत करो, 1990 से मैं गोवा जाने का सपना अपने मन में पाल रहा हूँ, कम से कम उस सपने को तो पूरा होने दो। हाँ माँ, प्लीज ये फ्री की ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। अब जब मेरी पूरी पलटन ही ट्रिप पे चली जाएगी तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। ठीक है चलो। भारत नगर को खाली कराने का प्लान तो कामयाब हो गया, अब उस टिक टिक से मिलकर
तीसरी दुर्लभ कुंजी को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। बहुत अच्छी खबर लेकर आए। थैंक्स क्वीन टिम्नासा। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब हमें बस कल तक इंतजार करना है। जैसे ही कल बालवीर उस दानव को पकड़कर भारत नगर लाएगा, हम लोग उस दानव का अपहरण कर लेंगे और पहले की तरह असली कुंजी को नकली से बदल दें। इसका मतलब गाय देगी दूध और पनीर खाएंगे हलवाई? ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ज्वाला परी, ये बात हमें जल्द से जल्द शौर्य तक पहुंचानी होगी। पर कैसे ध्वनि परी, हम तिम्नासा के चंगुल से कैसे बाहर निकल पाएंगे? मोर को अपना जीवन बोझ लगने लगा है कि वो हिमलोक में मेरी नींद खराब करने आया है। मैं बालवीर और यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तुम समंदर को कटोरे में भरकर ले जाना चाहते हो, बच्चों जैसी बात कर रहे हो। बच्चा होने में बुराई क्या है? आखिर बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। नफरत है मुझे तुम्हारे भगवान से, क्योंकि वो खुद दुनिया बनाकर ना जाने कहां सोने चला गया। निकल जाओ यहां से बालवीर, निकल जाओ। देखो क्या हो रहा है? इसका मतलब टिक टिक के पास समय को कुछ पल के लिए पीछे करने की शक्तियां है। कहां छुप कर बैठे हो? कहने को तो बहुत बड़े दानव, लेकिन बालवीर की शक्तियों से डर गए? हिम्मत है तो सामने आओ। अच्छाई के रक्षक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। चले जाओ यहां से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम्हारी धमकियां सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन मेरे पास समय ही समय है। ये लो। देखते अपनी चाल से बार बार समय को पीछे ले जा रहा है। मुझे और घातक वार करना होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
हेमलॉक से ले जाने आए थे तुम मुझे, और अब बर्फ के अंदर बालवीर की कब्र बन गई। हाँ हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब रिंकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, आप अपना मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए शांति से, हम तो सैर पर चढ़ आते हैं, है ना? आपको रिंकू से बात करनी है, एक मिनट दीजिए मुझे। पता नहीं, देखो मेरा तो मिल गया ना 17-18। जो पॉइंट ए से चालू होकर बी सी डी ई को क्रॉस करके पॉइंट जेड पर पहुंच जाता है। अरे रिंकू, तुम्हारी मम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ इफेक्ट दिखाती। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दादाजी, दादाजी, दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फाबेट के कैपिटल एम ए से छोटा ए बना दोगे? दादाजी आप ठीक तो ना? अरे रिंकू, ये करुणा मैं तुम्हारी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी, पता नहीं इतने दिन में अचानक किसी ने ऐसे जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बोलो। अरे सॉरी 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 मिश्रा जी, सॉरी गिड़बड़ जी, वो अचानक धक्का लग गया पीछे से मुझे। कोई बात नहीं करुणा जी, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बड़ी बड़ी धक्का मुक्की होती रहती है। अरे बहू, इसमें किसी को सॉरी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी कहां कुछ टूटा फूटा है। मेरे अरे दादाजी, वैसे हम कितने सालों से प्लान कर रहे थे कि गोवा जाते हैं, गोवा जाते हैं, और आज देखिए बिना प्लान किए मौका मिल गया। कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी का है? अरे ये दो बातें अलग है, गिर पड़े। कॉफी कॉफी है दादाजी। चलो सामान सामान ले लेते हैं। अरे सामान सामान जाना तू इधर से। अरे ये विंडो सीट खाली करनी है। क्यों, तुम दोनों ने रिजर्वेशन करवाई है? सुनली, चुप चाबी सीट खाली कर दे, वरना ओ। वरना क्या? हाँ वरना क्या? विवाद तुम्हारे बीच में बताओ। अरे मैं बीच में कहाँ पड़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ साइड में खड़ा हूँ। एक्चुअली चिंटू चिंटी, तुम दोनों बीच में आ रहे हो क्योंकि मैं और सुतली विंडो सीट पर पहले से बैठे हुए हैं, और तुम दोनों हमें जबरदस्ती उठने को कह रहे हो। मैं सीट नंबर 11 है और सुतली का 12, तो हम अपनी सीट पर बैठे हैं ना। अरे लेकिन एडजस्टमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। हैं? मेरी बात सुनो खुशी, खुशी खुशी ये सीट को खाली कर दो, ओके? तुम लोग ऊपर वाली सीट पर बैठ जाओ, है ना, हमें विंडो सीट दे दो। अच्छा ठीक है, ये लोग उठ जाएंगे। लेकिन चिंटू, तुम्हें विंडो सीट से इतना क्या लगाव है? आखिर करोगे क्या तुम वहाँ बैठ कर? हवा खाऊंगा, तुम्हें क्या? पहले से भरी हुई कम है क्या? क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ, 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 आ, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चिंटू, अब जब ट्रेन शुरू हो जाएगी ना तो जी भर के हवा खाना, ओके? अरे यार कोई तो मुझे निकालो। अरे चिंटी खींच। क्या हुआ चिंटू, विंडो सीट अच्छी लगी कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मुझे विंडो सीट चाहिए ही नहीं, मैं ऊपर वाली बर्थ में आराम कर लूंगा, है ना? तुम लोग एंजॉय करो। ओ तुम दोनों नीचे आने वाले हो क्या? ठीक है, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। चल चिंटी। अरे तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग रेल की सवारी नहीं बल्कि अपनी मौत की सवारी कर रहे हो। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। गणपति
ट्रेन आज समय से पहले कैसे निकल गई? अभी तो 10 मिनट बाकी है। टीटी, अरे टीटी जी, आइए 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 आइए। ये क्या हो रहा है? हम ट्रेन के लोको पायलट यहाँ स्टेशन में हैं और ट्रेन खुद चल पड़ी। अब ये दोनों बालवीर इस रेल को रोकने के लिए यहाँ पर व्यस्त रहेंगे और वहाँ रे और भैमार अपना काम पूरा करेंगे उस कुंजी को प्राप्त करने का। ये ट्रेन चला कौन रहा है? पर वो पता नहीं, लेकिन ट्रेन में चलो जल्दी, अगर ट्रेन गई तो ट्रेन भी जाएगी और नौकरी भी। चलो चलो। अब इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई जा सकता है, ना इस गाड़ी से कोई बाहर आ सकता है और ना ही ये गाड़ी रुक सकती है। बर्फ के नीचे क्या कर रहे हो बालवीर? चाबी ढूंढ रहे हो क्या? अपने मुंह से बड़ा फल चबाने वालों के अक्सर दांत टूट जाया करते हैं, लेकिन अब तो शायद तुम्हें अकल। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाते? मुझे थोड़ा अनुशासन सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे समय को पीछे करने वाली शक्ति तो तुम देख ही चुके हो, अब दूसरी शक्ति भी देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लायक नहीं रहोगे। अगर ये और थोड़ी देर मेरी आंखों में देखता रहा तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे जल्दी इसे रोकना होगा। समय को घुमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब तुम भी थोड़ा गोल गोल घूम लो। तुम्हें देखकर लगता है डर और दर्द का मजा पहली बार मिला है तुम्हें। चलो हार का स्वाद भी चखा देते हैं तुम्हें। अब और देर के लिए समय तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं है। दानव के रूप में तुम्हारा जीवन समाप्त हो, अब बाकी की जिंदगी दुर्लभ कुंजी बनकर गुजारना। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? वहीं जहाँ तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। माँ, आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है।